अब तक अब हम अब देखेंगे ये पूरा, इसको हटा के देख लेंगे जातक का तत्व क्या होता है। बोले तो लग्न से लेके सप्तमा स्थान तक विवाह का पूर्व दिन पूर्व तत्व होता है, मीन्स जब तक शादी नहीं होते तब तक इसका लक्षण होते हैं। देख लीजिए तन, बोले तो हमारा शरीर और दादाजी का धन और भाई और बहनें और घर और ज्ञान विद्या और शत्रु और पत्नी और पति, ये पूरा क्या होता है, पर्सनल इश्यूज होता है। इधर से होता है भाग्य का इश्यूज। मोदी जी का जातक में देख ले तो इधर पूरा उतना ताकत नहीं है, मगर इधर देख लीजिए कितना ताकत है। देखेंगे जब अष्टमा स्थान में देख लीजिए, अष्टमा स्थान आयुष्य का स्थान है। ये आयुष्य के स्थान के देखें तो इसका अधिपति है बुध, परमोच्च स्थान में है, कन्या राशि में उच्च स्थान में है। उसके लिए मोदी जी का कोई भी अनारोग्य आने वाले उसके लिए योग शास्त्र निष्णात है वो। और बुध ग्रह का हो गया, और भाग्य स्थान जो लक देता है, जो भाग्य स्थान है अधिपति चंद्र को किसके स्थान में है, कुज ग्रह के स्थान में। कुज कौन होता है, चंद्र का मित्र होता है, वही स्थान से चंद्रमा भाग्य देने वाला होता है। और उसके लिए इसका भाग्य दौड़ के आता है, ऐसे ऐसे होते होते दौड़ के भाग्य उसके पीछे आ जाते हैं। जो भाग्य के पीछे मोदी जी नहीं जाते उसके पीछे ही भाग्य दौड़ के आने वाले हैं। और दशम स्थान देख लीजिए सिंह राशि। सिंह राशि में जो इसका रवि का क्षेत्र है उसमें दशम स्थानाधिपति रवि है एकादश स्थान में। कौन से भी ग्रह वो एकादश स्थान में रहे तो वो अच्छे फल देना ही पड़ेगा, वो एकादश स्थान का वो महत्व है। कौन से भी ग्रह, उसके लिए ब्राह्मण लोगों ने जब आशीर्वाद करते हैं तो बोलते हैं सर्वे ग्रह शुभ एकादश स्थान फल सिद्धि रस्तु। वही एकादश स्थान में रहे तो वो कौन सी ग्रह हो, नीच स्थान वो हो उच्च स्थान भी हो कुछ भी हो, वो फल देना ही पड़ेगा, उसमें असंगत तो दोष भी नहीं रहते। वैसे अब देखेंगे दशम स्थान में कौन है, शनि ग्रह है और शुक्र ग्रह है। शनि किसके स्थान में है, रवि ग्रह का स्थान में, मीन्स पिताजी का स्थान में है। शनि का पिता है रवि। अच्छा ये बोलिए, एक माता एक पिता और पुत्र दोनों शत्रु है, मगर क्या हो गया ना, शनि ग्रह पाप ग्रह है। पाप ग्रह का लक्षण क्या है बोले तो पाप ग्रह जब उच्च स्थान में रहे तो वो क्या बोलते कठिन फल देते, जब नीच स्थान में रहे तो शत्रु के स्थान में रहे तो उसका खुद की फल पूरा नहीं दे सकते। वैसे भी आपकी ज़िंदगी में देख लीजिए, आप आपके पिता के साथ रहे तो कैसे रहते, पिता नहीं रहे तो कैसे रहते, थोड़ा रहते ना, पिताजी के साथ रहे तो थोड़ा नियम से विनय से और भी विचक्षणा से रहते ना। ऐसे मोदी जी का जातक में देख लीजिए शनि ग्रह क्या बोलते, इसका कारकत्व क्या है, दुख कारक है और ब्रह्मज्ञान कारक बोलते हैं शनि ग्रह, और ये सेवक भी बोलते हैं। ये शनि ग्रह सिंह राशि में रहने से क्या होता है, ये रवि का क्षेत्र है, मीन्स रवि का क्षेत्र का स्थान क्या है बोले तो राजकीय क्षेत्र है। जो राजनीति का क्षेत्र में ये सेवक बनता है, कैसे सेवक बनता है, जिसकी जातक में शनि ग्रह का ऐसे स्थिति रहते हैं वो अच्छे सेवक बोलते हैं, जो विश्वास से काम करने वाले बोलते हैं, हिम्मत से काम करने वाले विश्वास से काम करने वाले जो रहते हैं वो शनि ग्रह देने वाले। उसके लिए मोदी जी का तत्व है वसुधैव कुटुंब, पूरी दुनिया को उसके कुटुंब बोल के सोचते हैं, उसकी फैमिली सोचते हैं, ऐसे अच्छे आदमी हैं। उसके लिए ये शनि ग्रह वजह से हमको ये समझ नहीं पा रहे ये अच्छे सेवक भी हैं, ये लोगों के काम के लिए तड़पता है, सेवा करने के लिए तड़पते हैं। और शुक्र ग्रह का देख लीजिए एक करिश्मा बोलते हैं, मीन्स ये आकर्षण शक्ति देने वाले। दशम स्थान में ये शुक्र ग्रह रहने से क्या हो रहे, लोगों इसके कार्य क्षेत्र में कौन से भी छोटे भी काम करो वो बहुत सारा आकर्षक शक्ति देने वाले होते हैं। इसे मोदी जी का छोटे भी काम भी हो पूरी लोगों के दिल में घुसने वाले। उसके लिए अभी तक पूरी दुनिया में पूरी भारत में बीजेपी का नाम सुन रहे क्या, मोदी जी का नाम सुन रहे क्या, मोदी जी का नाम ही सुन रहे ना, और वोट डाले बीजेपी का मुख दे के डाले क्या, नहीं तो मोदी जी का नाम दे के डाले क्या, मेरे ख्याल से मोदी जी का नाम से ही डाला। सब लोग मोदी के मंत्र का जप किया, नोट के लिए वोट नहीं डालने वाले, वो ये महत्व है शुक्र ग्रह का वजह से। ये इतना करिश्मा दिया मोदी जी को, सारी 1 करोड़ भारत लोगों की दिल में घुस गया मोदी जी का नाम, जो मोदी जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी चाहे तो मोदी जी एक सेपरेट का पार्टी भी ओपन करो, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग रेडी हो रहते हैं, उतना ताकत है एक जातक में। और अभी अत्यंत मुख्य का स्थान देखेंगे रवि ग्रह एकादश स्थान, जो लाभ स्थान बोलते हैं, पूरी जातक में यही स्थान बहुत बड़ा बलिष्ठ होता है।
इस साल में कौन से भी ग्रह रहो वो अच्छे, उसकी जिंदगी का डिसाइड करने वाले ग्रह वही होता है। वही बुध ग्रह है, वो कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वक्षेत्र में, उच्च क्षेत्र में बुध ग्रह है और वो क्षेत्र में रवि ग्रह भी है। इसे इसका लाभ बहुत बढ़ने वाले, इतना बढ़ने वाले, तो इसका दिमाग कितना दौड़ता है उतना लाभ बढ़ने वाले, वही बुधादित्य योग बोलते हैं। ऐसे भी केतु ग्रह है, कुछ लोग बोलते हैं केतु ग्रह कौन से भी स्थान में रहे तो स्थान का भ्रष्ट करता है, मगर इधर केतु ग्रह का स्थान भ्रष्ट करता है, यस वो ठीक है, मगर केतु ग्रह कौन किसके साथ हैं, रवि ग्रह के साथ और बुध ग्रह के साथ है, मगर कौन से स्थान में है बोले तो एकादश स्थान, जिसके प्रिंसिपल से एक नियम से एकादश स्थान में कौन से भी ग्रह हो वो शुभ फल देना ही पड़ेगा। उसके लिए केतु ग्रह क्या दे रहे, वैराग्य कारक है वो क्या मोक्ष ज्ञान कारक है। उसके लिए मोदी जी का जब केतु महादशा 1985 में स्टार्ट हुआ था, तब वो शादीशुदा पूरा छोड़ के, पूरा फैमिली लाइफ छोड़ के उन्होंने हिमालय चलने का शुरू कर दिया, उसकी लाइफ आध्यात्मिक वे में स्टार्ट कर दिया। ऐसा होता है मोदी जी का ज्ञान का तत्व। और उसके लिए जो इंडिया में इतने साल से योगा चल रहे हैं मगर योगा को कोई भी आगे नहीं लेके गए, मोदी जी ने लेके आ गया, इंटरनेशनल योगा डे बनाया, अभी सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए योगा सीखने के लिए सब नमो के नाम मंत्र बोल के योगा सीख रहे हैं। अभी योगा से सब लोगों को क्या होने वाले, स्वास्थ्य होने वाले। और द्वादश स्थान देख लेंगे, द्वादश स्थान का अधिपति है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या बोलते हैं, करिश्मा, ये क्या बोलते हैं, खर्च करने का, व्यय करने का स्थान है। मीन्स मोदी जी का खर्च किसमें होता है बोले तो आकर्ष के लिए होता है। उसके लिए हमारे इंडिया में ऐसे प्रधानमंत्री कौन नहीं है जो पहले बार इंटरनेट में ट्विटर से और फेसबुक से सारी सोशल नेटवर्क से लोगों के पास आ गए, लोगों के दिल में घुस गया, लोगों को इतना उन्होंने पास हो गया सोशल नेटवर्क में, एक प्रसिद्ध बटन से मोदी जी मिलने वाले हो गए। उसकी खुद की वेबसाइट बनाया, कौन सी भी प्रधानमंत्री खुद की वेबसाइट इतना ठीक से नहीं बनाया, वैसे मोदी जी बनाए, दैट इज मोदी। सो इसके लिए मोदी जी का होरोस्कोप का तत्व ये है, इसको कोई भी रोकने वाले नहीं है, बिकॉज एक कुजग्रह बोलते हैं इसको, रुच महापुरुष हो गए। मोदी जी का छोटी उम्र पर मगरमच्छी से फाइट किया था, वो तो आप तो जानते हैं, अब मैं तो NDTV में भी देखा, मैंने उसकी बायोग्राफी में पढ़ा, छोटी उम्र में जब 12 साल था तब उसकी वादनगर में जो तालाब में जाके जो हिंदू धर्म का जो पताक को रखने के लिए उन्होंने अंदर गया और मगरमच्छी से खेला। मोदी जी स्वयं उसकी इंटरव्यू में भी बोला मगरमच्छी को लेके घर गया। उतना हिम्मत है, ताकत है, मोदी जी को कोई भी रोकने वाले नहीं है। आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट वॉट इज द मोदी होरोस्कोप, सो नो वन कैन स्टॉप एंड नो वन कैन बीट हिम टिल 2028। सो विल डिस्कस अबाउट मोदी जी होरोस्कोप, मोदी जी का जातक में क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या हुआ है। मीन्स पहले हम क्या क्या हुआ है ये जातक की तरफ से, ये दशा महर दशा बना के हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। नमस्कार।